नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। कहते हैं चंदा और निंदा का चोली दामन का साथ होता है। शायद यही वजह है कि अडानी मामले में सदन में विपक्ष कोहराम मचा रहा है और पीएम मोदी इस मामले में चुप हैं। आज आपको बताते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले भारी भरकम चंदे की कहानी, जिसके सहारे राजनीतिक दल चुनावी बैतरणी पार करते हैं और सत्ता की मलाई कटोरी में भर भर कर रईसों की हथेलियों में देते हैं, जिसके सहारे अमीरों की सूची में उनका नाम चढ़ता और उतरता रहता है। अगर आप इस मुगालते में हैं कि आपके 150 से 1000 रुपये के चंदे से नेताजी चुनाव में हवाई दौरा करते हैं, तो इसे दिमाग से खुरच कर निकाल दीजिए। दरअसल राजनीतिक दलों के पास अधिकतर पैसा चंदे या दान के रूप में आता है। ये पैसा कहाँ से आता है और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में कितनी पारदर्शिता है, इसको लेकर तमाम तरह के विवाद हमेशा से रहे हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29B राजनीतिक दलों को किसी भी व्यक्ति या कंपनी से चंदा या दान लेने की छूट देती है। ये कंपनी सरकारी नहीं होनी चाहिए। 20,000 रुपये से अधिक के चंदे की जानकारी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को देनी होती है। उससे कम का कोई हिसाब नहीं होता। इसके अलावा इलेक्टोरेट बॉन्ड के जरिए भी राजनीतिक दल फंड इकट्ठा करते हैं। इसमें व्यक्ति, कॉरपोरेट्स या संस्थाएँ बांड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती हैं। राजनीतिक दल इन बांड्स को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं। चुनाव आयोग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान केंद्र में सत्ता में काबिज भाजपा सरकार को तकरीबन 614.53 करोड़ रुपए चंदे में मिले, जो कांग्रेस पार्टी को मिले चंदे से 6 गुना ज़्यादा हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को महज 95.46 करोड़ रुपए ही चंदे में मिले। हाल ही में कुछ पार्टियों ने चुनाव आयोग को चंदे की लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट पेश की थी, जिसे पिछले आंकड़ों की बात करें तो भाजपा को साल 2020-21 में 477 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जबकि कांग्रेस को उस दौर में 74.7 करोड़ रुपए मिले थे। यानी इस साल दोनों पार्टियों के चंदे में 28% की वृद्धि हुई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 2021-22 के दौरान चंदे के रूप में 43 लाख रुपए मिले, जबकि दिल्ली की आम आदमी सरकार को 2021-22 के दौरान 44.54 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर दिए गए। इस तरह पार्टी को तकरीबन 21.7% का नुकसान भी हुआ। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा चंदा हासिल करने के मामले में तीसरे नंबर की पार्टी है। उसे 57.9 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले हैं। 20,000 से ऊपर के चंदे का हिसाब चुनाव आयोग रखता है। चुनाव आयोग के मौजूदा नियमों के मुताबिक देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को 20,000 रुपए से ज्यादा वाले सभी चंदों का हिसाब देना होता है। साथ ही राजनीतिक दलों को आयोग के समक्ष इस बारे में रिपोर्ट भी देनी होती है। व्यक्तियों और संस्थाओं के अलावा चुनावी ट्रस्ट भी पार्टियों को फंड दिया करते हैं। प्रूडेंट इलेक्टोरेट ट्रस्ट सहित इलेक्टोरेट ट्रस्टों का भाजपा की किटी में मेन योगदान रहा है। 2018 में चुनावी बांड या इलेक्टोरेट बांड योजना की शुरुआत के बाद से अब तक सबसे ज्यादा बांड मुंबई में बिके हैं। इसके अलावा कैशिंग में दिल्ली पहले नंबर पर है। साल 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 1 अक्टूबर 2022 तक भारतीय स्टेट बैंक की मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद ब्रांच में कुल चुनावी बांड का लगभग 65% हिस्सा बेचा गया है। ADR की ओर से सूचना के अधिकार के जवाब के अनुसार इस अवधि के दौरान कुल बांड में से 62% नई दिल्ली ब्रांच में कैश करवाए गए। चुनावी बांड क्या होते हैं, आइए आपको बताते हैं। साल 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी इलेक्टोरेट बांड स्कीम को पेश किया था। 29 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में मिल जाएगा। इसे खरीदने वाला इस बांड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है। बस वो पार्टी इसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए।
जिस पार्टी को डोनेट कर रहे हैं वो एलिजिबल है, ये कैसे पता चलेगा? बांड खरीदने वाला 1,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बांड खरीद सकता है। खरीदने वाले को बैंक को अपनी पूरी डिटेल देनी होती है। खरीदने वाला जिस पार्टी को ये बांड डोनेट करना चाहता है उसे पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला होना चाहिए। डोनर के बांड डोनेट करने के 15 दिन के अंदर उसे पार्टी को चुनाव आयोग से वेरीफाइड बैंक अकाउंट से कैश करवाना होता है। एडीआर ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने घोषणा की है कि उसे साल 2021-22 के दौरान 20,000 रुपए से अधिक का कोई चंदा नहीं मिला है, जैसा कि वह पिछले 16 सालों से घोषित करती आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय दलों का कुल चंदा 187.03 करोड़ रुपए बढ़ा, जो साल 2020-21 से 31.50% अधिक है। प्रूडेंट इलेक्टोरेट ट्रस्ट को सबसे अमीर चुनावी ट्रस्ट में से एक माना जाता है। कॉर्पोरेट जगत से राजनीतिक दलों को मिलने वाला लगभग 90% चंदा इसी के पास रहता है। इसे पहले सत्य इलेक्टोरेट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था। इलेक्टोरेट ट्रस्ट तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा अधिसूचित 2013 की एक योजना के तहत स्थापित किए गए हैं और अधिकांश पार्टियों के लिए एक प्रमुख फंडिंग का स्रोत भी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने 3 नए चुनावी न्यासों की मंजूरी हाल ही में दी है और 15 अन्य की मंजूरी का नवीनीकरण भी किया है। CBDT ने 12 दिसंबर 2022 तक स्वीकृत चुनावी ट्रस्ट की एक सूची जारी की है, जिसमें ऐसी 18 संस्थाओं के नाम हैं: स्मॉल डोनेशन इलेक्टोरेट ट्रस्ट, इंडिपेंडेंट इलेक्टोरेट ट्रस्ट और भारतीय भूमि इलेक्टोरेट ट्रस्ट नाम की नए चुनावी न्यासों को मंजूरी भी दी गई है, जबकि प्रूडेंट इलेक्टोरेट ट्रस्ट और प्रोग्रेस इलेक्टोरेट ट्रस्ट जैसे न्यासों की मंजूरी का नवीनीकरण किया गया है। निर्वाचन आयोग के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि जब ऐसे निकाय मानदंडों को पूरा करते हैं तो CBDT उन्हें चुनावी ट्रस्ट के रूप में कार्य करने की मंजूरी देता है। बीते दिनों निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसी सूची एक जारी भी की गई है। कोई चुनावी ट्रस्ट भारत के किसी नागरिक, भारत में पंजीकृत किसी कंपनी और फर्म या हिंदू अविभाजित परिवार, जब भारत निवासी व्यक्तियों के किसी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय से स्वैच्छिक चंदा प्राप्त कर सकता है। चुनावी ट्रस्ट केवल चुनाव कानून के तहत पंजीकृत योग्य राजनीतिक दलों को ही धन वितरित करता है। ऐसे न्यासों से मिलने वाला दान प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए चंदे का एक प्रमुख स्रोत होता है, जिसके सहारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। धन्यवाद।